बात करेंगे आजकल की पांच बड़ी मूवीज अपडेट के बारे में। तो सबसे पहली और बड़ी खबर फिल्म एनिमल को लेकर सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि एनिमल के मेकर्स ने फैसला लिया है कि वो इस मूवी को 11 अगस्त को नहीं रिलीज करने वाले और अब ये फिल्म दिसंबर में देखने को मिल सकती है। दरअसल कहा जा रहा है कि 11 अगस्त को गदर 2, ओ माय गॉड 2 और रजनीकांत की जेलर भी आने वाली है और इसी वजह से एनिमल को मेकर्स ने पोस्टपोन कर दिया है और जल्दी इसकी नई रिलीज डेट अनाउंस कर दी जाएगी। बात करें दूसरी अपडेट के बारे में तो किच्चा सुदीप की एक नई पैन इंडिया फिल्म का कल टीजर रिलीज करा गया। फिल्म का अभी टाइटल रिवील नहीं करा गया है और इसे अभी किच्चा 46 नाम दिया गया है। आपको बता दूं कि ये एक एक्शन थ्रिलर फिल्म होगी जिसे डायरेक्ट विजय कार्तिकेयन कर रहे हैं। फिल्म की स्टारकास्ट को लेकर भी अभी कुछ रिवील नहीं करा गया है और किच्चा 46 अगले साल पैन इंडिया रिलीज होगी। तीसरी अपडेट फिल्म हनुमान को लेकर है। डायरेक्टर प्रशांत वर्मा और एक्टर तेजा साजा की आने वाली इस पैन इंडिया फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस कर दी गई है और हनुमान अगले साल 12 जनवरी को रिलीज होगी। डायरेक्टर प्रशांत वर्मा का कहना है कि अभी फिल्म का VFX का काम बहुत ज्यादा बचा हुआ है, इसलिए वो इस मूवी को इस साल नहीं लाएंगे और 12 जनवरी को हनुमान की बॉक्स ऑफिस में टक्कर प्रभास के प्रोजेक्ट के और महेश बाबू की SSMB 28 के साथ होगी। चौथी अपडेट कार्तिक आर्यन की फिल्म सत्य प्रेम की कथा के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर है। हाल ही में रिलीज हुई कार्तिक की मूवी बॉक्स ऑफिस में काफी अच्छी कमाई कर रही है। अपने पहले दिन इसने 9 करोड़ की कमाई करी, दूसरे दिन 7 करोड़ तो तीसरे दिन ये आंकड़ा 10 करोड़ तक पहुंचा और चौथे दिन यानी संडे को इसने सबसे ज्यादा 12-13 करोड़ की कमाई करी और इसी के साथ इस मूवी ने अपने पहले वीकेंड में 40 करोड़ की कमाई कर ली है। तो अब देखना होगा कि कार्तिक ये मूवी और कितनी और कमाई करती है। और बात करें पांचवी बड़ी अपडेट के बारे में तो कुछ रिपोर्ट्स में सामने आ रहा है कि प्रभास की आने वाली पैन इंडिया फिल्म प्रोजेक्ट के पोस्टपोन हो गई है और अब कहा जा रहा है कि अब शायद ये समर के टाइम रिलीज हो सकती है। वैसे मेकर्स की तरफ से ऐसी कोई अपडेट अभी तक सामने नहीं आई है, तो अब देखना होगा कि यह सच में प्रोजेक्ट की पोस्टपोन हो गई है या फिर नहीं।